नमस्कार किसान भाइयों और पशुपालकों को स्वागत है आपका इस चैनल में। फिर से मैं हूं आपका दोस्त विकास। किसान भाइयों, कई बार हमारा जो पशु होता है उसका जो जेर है दोस्तों वो बहुत देर तक साफ नहीं हो पाता। दोस्तों इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप जो है अपने पशु की जेर को ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करेंगे तो उस स्थिति में दोस्तों कई बार जो जेर होता है वो टूट कर अंदर चला जाता है और उसी के कारण से दोस्तों हमारा जो पशु है वो अपनी जेर को जल्दी से जल्दी साफ नहीं कर पाता। और दूसरा कारण है दोस्तों हमारे पशुओं के शरीर में कई प्रकार के हार्मोन की कमी होना, जिसके कारण से भी जो है दोस्तों हमारे पशु अपना जेर साफ नहीं कर पाते। तो उसके लिए दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ जिसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आप जो है अपने पशुओं की जेर को बहुत ही जल्दी साफ कर सकते हैं और मात्र 1 घंटे में दोस्तों इसका असर हो जाता है और हमारे जो पशु हैं वो बहुत ही जल्दी जेर को साफ करते हैं, जिससे उसका जो दूध है वो भी जल्दी से जल्दी साफ होकर आता है दोस्त। तो इसमें जो है दोस्तों आपको करना ये है कि आपको जो है आकाश बेल लेनी है, जिसको कई जगह पर अमर बेल भी कहते हैं दोस्तों। ये जो बेल होती है ये आपको किसी पेड़ के ऊपर में पीले कलर में नजर आ जाएगा दोस्तों। ये जो पीले कलर का बेल होता है ये दरअसल में उस पेड़ पर आश्रित होता है जिस पेड़ पर ये होता है दोस्तों, और कई प्रकार के पेड़ों पर जो है दोस्तों आपको ये देखने को मिल जाएगा। लेकिन खास तौर पर जो बेर का पेड़ होता है दोस्तों उसके ऊपर में ये अमर बेल ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसे जो है दोस्तों आपको पहचानना है और लगभग जो है उसकी 250 ग्राम की मात्रा आपको लेनी है दोस्तों और उसको पीस लेना है। और उसमें जो है दोस्तों लगभग जो है आपको 250 ग्राम के आसपास आपको भिंडी के बीज लेने हैं दोस्तों, या तो जो है आप पूरे के पूरे भिंडी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कच्चा भिंडी होता है दोस्तों जो हम अपने बाजार से लेकर के सब्जी वगैरह बनाने के लिए लाते हैं, वही कच्चे भिंडी को दोस्तों आप जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों की जो है मात्रा आपको 250 ग्राम लेनी है और उन दोनों को अच्छे तरीके से पीस लेना है और उसके बाद जो है अपने पशु को इसे दे देना है। इसे देने के तुरंत जो है दोस्तों 1 घंटे के अंदर में जो है आपका पशु अपनी जेर को अच्छे तरीके से साफ कर लेगा और उसका जो दूध है दोस्तों वो भी जल्दी से जल्दी बढ़ करके आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसका इस्तेमाल तो आप कर ही सकते हैं। साथ में जो है दोस्तों ये जो आकाश बेल होती है इसका एक और इस्तेमाल आप कर सकते हैं जेर को साफ करने के लिए। इसमें जो है दोस्तों आपको लगभग जो है 150 ग्राम के आसपास आपको आकाश बेल लेनी है और उसको पीसना है दोस्तों, और उसमें 50 ग्राम के आसपास पीसा हुआ जीरा डाल देना है और इन दोनों को अच्छे तरीके से मिला करके भी आप अपने पशु को देंगे तो बहुत ही जल्दी जो है दोस्तों आप अपने पशु की जेर को साफ कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ तक कि अगर आप जो बेल का फल होता है उसका अगर आप जो है काढ़ा बना करके अपने पशु को देंगे तो उससे भी जो है दोस्तों आप अपनी पशु की जेर को बहुत ही जल्दी साफ कर सकते हैं। तो खास तौर पर मैंने जो है दोस्तों आपको आकाश बेल से 2 उपाय बताए हैं, इसका इस्तेमाल आप जरूर करिएगा। तो ये है जानकारी दोस्तों आज के इस वीडियो में, और इस तरीके की और भी जानकारियाँ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर दबाए दोस्तों, ताकि आने वाली ऐसी जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।